वहीं हमारे संवाददाता ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश कौशिक से खास बातचीत की। इस बार सोनीपत का मुकाबला त्रिकोणीय इसलिए भी है क्योंकि यहां पर न सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं बल्कि मौजूदा सांसद और दिग्विजय चौटाला भी। हालांकि मौजूदा सांसद कौशिक साहब जो है अपने आप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप मौजूदा सांसद हैं, हमेशा से सीट को जाट बहुल सीट कहा जाता था, 2014 में जब आप जीते उसके बाद से अब 5 साल आपको हो चुके हैं, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं आज के यहाँ पर? सीट जो है ना, ये काम करने वाली सीट है। हम जात पात, भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात में विश्वास करे चुनाव नहीं लड़ती। हम चुनाव लड़ते हैं काम के आधार पर, अपने नेता के आधार पर। आज हमारे पास एक ऐसा नेता है जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके मुकाबले देश में कोई नेता नहीं है। अरे, ये चुनाव प्रधानमंत्री का है, वो उनका बता दें, वो हमें यही बता दें उनका कैंडिडेट कौन है, वो ये तो बताएं। और जो ये है ना, पिछली बार तो ये चीफ मिनिस्टर था, जब भी मैंने यहीं हराया था। ये सोनीपत हमारा है, इनका कोई नहीं है। बार बार वे सोनीपत वैसे ही पसंद नहीं करते, नुआओगे लूटेंगे खाओगे, पहले लूट कर ले जा रखे कर सोनीपत का कुछ करे किसी ने तो। एक एक इस बार 2 लाख वोट से ज़्यादा इसको हरा के ऐसा भेज देंगे, इसका चैप्टर बंद कर देंगे जो लूट खसोट का। CLU ही सरकार थी और क्या है वो। और आपके हिसाब से क्योंकि यहाँ के मुद्दे क्या हैं सोनीपत के, क्योंकि सोनीपत दिल्ली के सबसे करीब क्षेत्रों में से एक पड़ता है। ऐसा है, जितने मुद्दे जितने काम थे हमने तकरीबन पूरे किए हैं, वो सारे बाकी शुरू। हमने KMP बनवाया, ये 10 साल रहा था, उसमें पेड़ जाम गए थे। आज KMP हमने उद्घाटन करा दिया, KGP बना दिया, प्रधानमंत्री ने दोनों उद्घाटन कर दिया। नंबर 1 नेशनल हाईवे 12 लेन का होने लग रहा है, 3-4 महीने में ये कम्प्लीट हो जाएगा। सोनीपत वाला जींद रोड है, नेशनल हाईवे किया है, डबल का काम उसका चल रहा है। बालगढ़ से सोनीपत करखोदा सांपला इसका काम चल रहा है डबल का जी, तुम जाओ। और जो जींद का बाईपास है 700 करोड़ रुपये का, अगले महीने कम्प्लीट हो रहा है। जींद सपीतो पानीपत है, जींद असंत करनाल है, जींद भिवानी, जींद हांसी, जींद जुलान रोती है, सारे हमने नेशनल हाईवे करके इनमें काम चलाए। यार रुक जा तू, मैंने और जो इसका जो है यो जो बना रखा है इन्हें मुद्दा, इन्हें ये हाल कर रखा था, जहाँ सोनीपत जिला खत्म हो जाता या रोहतक जिला खत्म हो गया, उसके बाद रोड नाम की चीज़ नहीं थी। जींद के साथ भी बहुत भेदभाव किया था हमने, रेल में चाहे रेलवे लाइन कंप्लीट करे, 3 ट्रेनें चलाई हैं, रेल कोच फैक्ट्री जो हरियाणा में आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आया था, 55 साल से हरियाणा बन रहा है, रेलवे कोई नहीं था। मैंने कंटेनर डिपो रेल कोच फैक्ट्री दोनों प्रोजेक्ट, यहाँ कंटेनर डिपो कंप्लीट होने वाला, रेल कोच फैक्ट्री का काम तेजी से शुरू हो चुका है। अगले साल 250 कोचेज बनाएंगे और उसके बाद हर साल 1000 कोचेज हम बना रहे हैं। इस बार दुष्यंत चौटाला भी यहाँ से लड़ रहे हैं, दिग्विजय चौटाला भी यहाँ से लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक वोट काटेगा आपके लिए, आपको मदद? वोट कैसे काटेगा, इन्होंने जींद में दूसरे नंबर पर ये रहे थे, मुकाबला है हमारा इनसे रहेगा। कांग्रेस के तो नाम लेने वाला नहीं है कोई भी, वहाँ तो 500-700 वोट से जमानत बची, यहाँ इसकी जमानत नहीं बचेगी। वहाँ भी यही कह रहे थे, ये तो एक काटा इन्ना तो उड़ा काटा था, और इसने ये पता नहीं है एक बेचारा किसकी वोट लेगा, एक बेचारा प्रधान बना दिया कांग्रेस का, अरे SC था, उसको इन्हें पिटवाया, कहाँ से वोट लेगा? ये जो अपने प्रधान की इज्जत नहीं कर सकते, पार्टी प्रधान की और किसी नहीं करते, क्या करेगा ये? कुछ नहीं है इसकी, दोनों हम 10 की 10 सीट जीत रहे हैं और बाबू बेटा दोनों हार रहे हैं, कुछ नहीं बचा हुआ इनका। आखिरी सवाल मेरा आपसे था कि आप 5 साल सांसद यहाँ पे रहे हैं, अगले 5 साल के लिए अगर जनता आपको चुनती है तो क्या कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी प्रायोरिटी पे होंगी? जो हमारा हमने एक वचन पत्र जारी किया है पार्टी ने, हम तो उसका पूरा करेंगे, और जो अपने क्षेत्र में हमने विकास के काम सारे शुरू किए हैं उनको कंप्लीट करना है। यहाँ पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, वो भी खुलवा दिया। एक मेंबर पार्लियामेंट के जो काम होते हैं वो कोई काम हमने नहीं छोड़ा जो रह रहा हो। डिस्पेंसरी दी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की, वो भी करवा दी। रेलवे जो हमारा स्टेशन है 1 क्लास अपग्रेड करके 14 करोड़ रुपये उस पर खर्च किया है। जींद का रेलवे स्टेशन, पार्क का निर्माण, हमने काम किया है, हमने लुटा पुटी नहीं किया। ये तो अब मोदी जी ने फैसला कर लिया, लुटेरे नहीं चलेंगे इस देश में, नहीं चलेंगे। देश की सुरक्षा पे चुनाव, देश की नेशनल सिक्योरिटी आपके हिसाब से बड़ा मुद्दा? बहुत बड़ा मुद्दा देश होगा सबसे पहले, फर्स्ट तो देश है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद आदमी होता है। भारतीय जनता पार्टी का ये नियम है कि वो देश को सर्वोपरि मानते हैं, और यही हमारे नरेंद्र मोदी जी का। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आए थे, कितनी भारी भीड़ उमड़ के आई है, और अमित शाह जी ने सारे मुद्दे भी क्लियर कर दिए हैं कि देश फैसला कर चुका है कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। ये मजद कौशिक साहब थे जो पूर्व सांसद हैं यहाँ से, और अभी इस बार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और ख़ास बात यह कि इनको लगता है कि अब सोनीपत के लिए जो मेन मुद्दा होगा वो नेशनल सिक्योरिटी ही होगा।
कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज़, सोनीपत।